हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि FRI के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं FRI का मेन गेट, ये यहाँ का मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। इसी के सामने बाहर, बिकॉज यहाँ पर एंट्री का टिकट लगता है, तो उस टिकट के लिए आपको यहाँ पर पहले लाइन में लगना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप अपने टू व्हीलर से आ रहे हैं, जैसे मैं आज यहाँ पे टू व्हीलर से आया हूँ, तो 25 रुपये यहाँ पे आपको पार्किंग के टिकट का लेना पड़ेगा और 15 रुपये की एंट्री फीस है पर पर्सन। तो गाइज, ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर और यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हो, जो भी आपके उसमें फिट होते हैं आप उस हिसाब से टिकट ले सकते हो। टिकट लेना मैंडेटरी है बिकॉज। तो ये रहा हमारा टिकट और अब हम चलने वाले हैं अंदर और एक्सप्लोर करने वाले हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। साइज तो आप रोड देख सकते हो, क्या बढ़िया रोड है। दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़। ऑफ कोर्स ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली ये एक फॉरेस्ट एरिया है और उसी की वजह से यहाँ पे इतनी लश ग्रीनरी हो रखी है कि मतलब आई कांट रियली एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल दिस होल पाथ इज। ये है FRI की मेन रोड और यहाँ से आगे चलते चलते हम जा रहे हैं पार्किंग साइड पे, जहाँ टू व्हीलर पार्क करिए। ये बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे और अब इसके बाद हम चल रहे हैं टिकट काउंटर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ टिकट काउंटर। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, कुछ देखो रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने देखा कि साइड में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो अब हम थोड़ा लेफ्ट साइड को आ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, ये रहा यहाँ का पार्किंग एरिया। राइट हैंड साइड में ये मेन बिल्डिंग, कैफेटेरिया, वॉशरूम्स और सबसे राइट हैंड साइड पे है टिकट काउंटर्स। तो बेसिकली देखो, ये है यहाँ का टिकट काउंटर का रास्ता। तो अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। जो मेन बिल्डिंग की एंट्री का टिकट है वो आपको बाहर मेन गेट से मिल जाता है, लेकिन म्यूज़ियम का जो टिकट है वो आपको अंदर आके सेपरेटली लेना पड़ेगा, बिकॉज म्यूज़ियम का टिकट यहाँ पे अलग से सेपरेट इशू होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली देखो, ये है यहाँ का मेन टिकट काउंटर। यहाँ पे आपको बिल्डिंग का लेआउट, बिल्डिंग के टाइमिंग्स और टिकट चार्जेस सारे कुछ मेंशन है। बिल्डिंग का जो लेआउट है उसमें बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाइड है कि यहाँ पे टोटल 5 म्यूजियम्स हैं और टिकट में भी आपको 5ों म्यूजियम के नाम देखने को मिल जाएंगे। पीछे आप जो देख रहे हैं वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेन बिल्डिंग। ये जो पीछे बिल्डिंग है, ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है और इसको कई सेक्शंस में डिवाइड करा गया है पीछे जाके। और यहाँ पे पीछे की तरफ म्यूजियम्स भी हैं और ये है यहाँ की मेन एकेडमिक बिल्डिंग। अंदर काफी सारे हॉल्स हैं, जैसे कि कॉन्वोकेशन हॉल या फिर इनका असेंबली हॉल्स वगैरह। तो यहाँ से है इसकी मेन एंट्रेंस और बेसिकली ये इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा साल पुराना है। 1800s में कभी ये बना था, जो कि ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था और उसके बाद 1906 में इसको एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह रजिस्टर करवा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे डिग्रीज वगैरह भी आ गई और वो 1991 के आसपास स्टार्ट हुआ वो वाला प्रोसेस। जैसे अभी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ कोर्सेज अभी भी एग्जिस्टिंग हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे डॉक्टरेट कोर्स लेवल कोर्सेज भी हैं और साथ में यहाँ पे कुछ मास्टर ऑफ साइंसेज के फॉरेस्ट रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। एक्चुअली फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कई बड़ी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि पान सिंह तोमर, रहना है तेरे दिल में और करण जौहर की द फेमस स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी।
तो गाइज अब हम शुरू करते हैं म्यूजियम्स को एक्सप्लोर करना। यहाँ से हम पहले म्यूजियम में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है द टिम्बर म्यूजियम। इस म्यूजियम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे रखा हुआ ये बहुत ही बड़ा सा ट्री ट्रंक जिससे कि पेड़ की एज नापी गई है। यहाँ पे आप हॉलवेज देख सकते हैं, ये हॉलवेज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और काफी अच्छे एकदम आर्चेस के फॉर्म में बना रखे हैं, एकदम सिमेट्रिकल टाइप का। जा रहे हैं म्यूजियम नंबर 5 की तरफ जिसका नाम है एंटोमोलॉजी म्यूजियम। तो ये म्यूजियम बेसिकली काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट्स का था, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट इंसेक्ट अटैक्स या पेस्ट अटैक्स देखने को मिल रहे थे वुड के ऊपर। आई थिंक नियरली यहाँ पे 1000 के आसपास सैंपल्स तो रखे ही होंगे, और उसके अलावा यहाँ पे प्रिजर्व्ड इंसेक्ट्स और बग्स भी रखे हुए थे। एनिमल स्किन प्रिजर्व करके लटकाई हुई है, साथ में कुछ एनिमल्स के स्कल्स भी लटकाए हुए हैं। इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं म्यूजियम नंबर 4 जो कि है नॉन टिम्बर म्यूजियम में। इस वाले म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे लाए गए हाथी के दांत, जो कि तमिलनाडु से 1935 में लाए गए थे। उसके अलावा यहाँ पे एक चीता की स्किन भी प्रिजर्व करके रखी गई है, साथ में बैम्बू की कई सारी वैरायटीज यहाँ पे डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे रखा हुआ है एक बर्मीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि टोटली वुड से बना है। तो गाइज हमने बिल्डिंग के इस वाले पोर्शन में म्यूजियम नंबर 3, 4 और 5 कवर कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं उस तरफ जहां पे म्यूजियम नंबर 1 और 2 है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट म्यूजियम कवर करने जो कि है म्यूजियम नंबर 2 विच इज द सिल्वी कल्चर म्यूजियम। एक्सप्लेन करा था कि कौन कौन से डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट रिलेटेड टूल्स डिस्प्ले पर थे। म्यूजियम नंबर 1 विच इज द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। इस म्यूजियम में पेपर और वुड रिलेटेड चीजों का एग्जिबिट डिस्प्ले पर लगा हुआ था। फाइनली बिल्डिंग में मौजूद सारे म्यूजियम्स को कवर करने के बाद हम आ गए यहां के मेन एरिया में। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक आर्किटेक्चर का मार्वल है, मतलब जिस भी एंगल से आप इस बिल्डिंग को देखें वो एकदम परफेक्ट लगती है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बेसिकली ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है।
गाइस, हम लोग अभी यहाँ के म्यूजियम से बाहर आए हैं और जो म्यूजियम था वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा मेरे को। और बेसिकली जो म्यूजियम है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था और अलग अलग हॉल्स में जाके अलग अलग रूम्स थे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लगा रखा था चीज़ों का। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये म्यूजियम बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यू नो एज अ स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग कभी मतलब ये सोचते नहीं है कि ये कहीं हम प्रैक्टिकली देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जैसे कि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत रिलेटेबल लगती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे साथ में ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज वो अपनी स्टडीज़ के साथ भी इसको रिलेट कर पाएंगे। जो मेन हाईलाइट मुझे यहाँ का म्यूजियम का लगा कि जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि ट्री की एज कैसे नापी जाती है, उसके बाग को स्लाइस करके उसके एजिंग नापी जाती है उसकी, तो वो वाली चीज़ मैंने एक्चुअल में आज यहाँ आके देखी है। और अंदर जैसे एक टेक्नोलॉजी म्यूजियम भी था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने डिस्प्ले लगा रखा था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि पेपर बनाने का प्रोसेस कैसे होता है। एक छोटा सा उन्होंने एग्जिबिट टाइप का लगा रखा था, हाउ द पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड, और साथ में जो ट्री होता है उसकी बेंडिंग कैसे होती है, जो वुड होती है उसकी बेंडिंग कैसे होती है। इस म्यूजियम में एक्चुअली एनिमल रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि यहाँ पे हाथी के दांत भी थे जो डिस्प्ले पे लगा रखे थे, जो कि अराउंड 1935 के थे। और उसके अलावा जो बफेलो की स्किन्स होती हैं, जो चीता के स्किन्स होते हैं, उनके हेड्स वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे प्रिजर्व करके वहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखे हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, तो आप एक बार ज़रूर आके यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। तो ये था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का फुल वीडियो टूर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं एक अनदर व्लॉग में।